हाउ टू प्रिपेयर यूजीसी नेट जीआरएफ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान यूजीसी नेट जीआरएफ के लिए तैयारी किस प्रकार से करें 2024 में, यह है हमारा आज का मुख्य सवाल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल जिसका नाम है साइको प्रोफेसर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इसी टॉपिक पे। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो इसको आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, और उसी के साथ साथ अगर आप कोई वीडियो एंड तक देखिए, अगर आपको पसंद आता है, इसमें से आप कुछ चीजें सीखते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर पसंद नहीं आता है तो इसको क्या कर दें, इसको शेयर कर दें ताकि दूसरे लोगों को क्या हो जाए, ये पसंद आ जाए। राइट, ओके। सवाल हमारा यहाँ पर यह है, सवाल ये है कि जून 2024 में मोस्ट प्रोबेबली, और उसी के साथ साथ आपके दिसंबर 2024 में, जो कि अगले 6 और 12 महीने आपसे दूर हैं, ये दोनों मंथ्स आपसे लगभग 6 से 7 महीने और 12 महीने दूर हैं। अभी अभी आप खड़े हैं यहाँ पर जनवरी 10 के आसपास, और अभी से आप कैसे प्रिपरेशन करें कि आपका जो जून में हो जाए या फिर आपका जो है दिसंबर अटेम्प्ट में हो जाए। ठीक है, तो बात करेंगे यहाँ पे हम अलग अलग कैटेगरीज के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, सबसे पहले हम बात करेंगे जिन लोगों ने परीक्षा 2-3 बार दे चुकी है, लेकिन फिर भी उनका वेदर हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है, कोई भी मीडियम हो, नो मैटर, उनका यहाँ पर नहीं हो रहा है। ठीक है, 2-3 बार से दे रहे हैं लेकिन नहीं हो रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे जिन्होंने यहाँ फर्स्ट टाइम दिया था उन्होंने इस बार 2023 में, एंड पेपर थोड़ा सा टफ आ गया या फिर थोड़ा सा उन्होंने उनकी तैयारी कैसी थी उस हिसाब से हम बात करेंगे, जिन्होंने केवल फर्स्ट टाइम दिया है ना, वो कैसे प्रिपेयर करें आगे के लिए। और उसी के साथ साथ हम बात करने वाले हैं यहाँ पर जो इस बार जून 2024 में फर्स्ट टाइम देंगे या फर्स्ट टाइम देने का सोच रहे हैं, फर्स्ट टाइम देने का विचार बना रहे हैं। ठीक है, दे आर थिंकिंग ऑफ गिविंग दिस एग्जामिनेशन इन जून 2024। ठीक है, तो इन तीनों ही क्राइटेरियाज में हम बात करेंगे, सबसे पहले 2-3 टाइम्स वाले, फिर फर्स्ट टाइम वाले, और फिर आपके जून 2024 वाले। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे हम जो इस परीक्षा को 2-3 बार से दे रहे हैं उनको क्या ध्यान रखना है, उनको क्या सावधानी रखनी है यहाँ पर, कि अगर आप 2-3 बार से आप दे रहे हैं परीक्षा तो आपको ये देखना है कि आप जो चीज पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप जो चीज पढ़ रहे हैं, आप जो भी कंटेंट अपने दिमाग को दे रहे हैं, जो भी चीजें आप अपने हिप्पोकैम्पस, एमिग्डाला, ठीक है, आपके जो भी LTP के लिए जितनी भी चीजें आप दे रहे हैं है ना, ग्लूटामेट वगैरह जहां भी आप रिलीज करवा रहे हैं, वहां पे वो जो कंटेंट है, जो चीजें हैं, क्या आप वो सही पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्या आप वो सही पढ़ रहे हैं, वो सबसे पहले यहाँ पे डिपेंड करता है। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 1 क्या है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सही है, ठीक है, वो सही होना चाहिए, वो जरूरी है। और उसके बाद क्राइटेरिया नंबर 2, अगर आप जो पढ़ रहे हैं वो सही यस है, और अगर सही नहीं है नो। ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे तो देखिए सही कब है, सही मोस्ट पॉसिबली अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो उस कैटेगरी में, उस क्राइटेरिया में होगा जब आप क्या कर रहे हैं, जब आप हमसे पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, आपने स्पोर्ट्स को ज्वाइन किया हुआ है, यहाँ हमसे पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीजें कर रहे हैं जो आपको बताया जा रहा है उसको फॉलो कर रहे हैं, तो आप यस, कंटेंट तो आप सही पढ़ रहे हैं, बस अब आपको क्या जरूरी है यहाँ पे, आपको जरूरी है यहाँ पर प्रॉपर रिविजन। ठीक है, यहाँ जो रिविजन है आपकी, इसमें आपकी कमी पड़ जाती है या फिर आपका कुछ लक का फैक्टर है वो यहाँ पे आ जाता है। इस बार देखा गया कई लोग के जो कंप्यूटर स्क्रीन थी वो ब्लैंक हो गई थी है ना, इस कारण से भी पेपर जो है खराब हुआ है ना, और क्या नहीं किया उन्होंने, प्रॉपर वहां पर रिविजन नहीं किया। ठीक है, कुछ लोगों का क्लेम था कि हमारा जो कंप्यूटर है वो प्रॉपरली चला नहीं, ठीक है, वो स्लाइड करने में बोल रहे थे कि इस बार दिक्कत आ रही थी। तो देखिए ये दिक्कत केवल आप ही नहीं है, जो अनोखे हैं जिनके साथ हो रही है, जितने लोगों ने भी परीक्षा दी थी उनके सभी के साथ ये समस्या हुई। और एक कंप्यूटर हैंग होने की समस्या तो ठीक है, कई कई लोग जो है केवल पेपर को भी पूरी तरह से दे नहीं पाते हैं। ठीक है, तो अब ये कंप्यूटर वाली जो बात है तो टेक्निकल इशू है, इसके लिए आप, हम कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा सा आपका जो है लक आपका साथ दे, ठीक है, और उसी के साथ साथ आपने क्या किया हो उसको प्रॉपरली रिविजन किया हो। ठीक है, तो अगर आप मान के चलिए आपने हमारा कोर्स लास्ट टाइम ज्वाइन किया था, इस टाइम ज्वाइन किया है, और आपका जो है सर कंटेंट तो आप सही पढ़ रहे हैं और आपका नहीं हुआ है, तो आपको किसकी जरूरत है, आपको यहाँ पर मैक्स टू मैक्स आपको रिविजन करने की जरूरत है। ठीक है, अभी देखिए सिलेबस के आधार पर बात करें, सिलेबस में कुछ बड़े बारी चेंजेस ऐसे हुए नहीं है, तो उसके लिए परेशान ना हो आप। ठीक है, मैक्स टू मैक्स क्या करें, आप उसको रिवाइज करें, एटलीस्ट आपको 5 से 10 टाइम्स आपको यहाँ पर रिविजन करना पड़ेगा उन्हीं टॉपिक्स का, और उसी के साथ साथ क्या डेवलप करनी है आपको यहाँ पर, एनालिटिकल थिंकिंग वाली भी चीजें भी यहाँ पर डेवलप करनी है। राइट, ओके, एंड हम बात करेंगे यहाँ पे नो, जो मतलब यहाँ पे क्या है, इनके पास कंटेंट ही सही नहीं है, सही चीजें क्या पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, वही मालूम नहीं है, तो उनके लिए क्या कर सकते हैं यहाँ पर, उनके लिए देखिए आपको जो है सबसे पहले सही चीजें आपको ढूंढनी होंगी, सही कंटेंट आपको ढूंढना होगा। ठीक है, आपको ये समझना होगा कि आपको
आपकी जो साइकोलॉजी है, मेमोरी, लर्निंग ना, और भी जो ऐसे कॉमन टॉपिक्स हैं, ठीक है, डेवलपमेंट वगैरह हो गया, इस सबसे ऊपर उठ के ये जो है एनटीए अब चीजें पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर आपके पास सही कंटेंट नहीं है, सही चीजें ही आपके पास नहीं है, तो क्या करें आप, उसको सही चीजों को ढूंढे, उनको पढ़े, ठीक है। इन सबसे कुछ नहीं होने वाला, आपको अच्छे स्तर की, अच्छे लेवल की आपको यहाँ पर तैयारी करनी होगी, ठीक है। और अगर आपके पास सवाल उठता है कि हम कहाँ से पढ़े, हमारे पास कुछ चीजें नहीं है यहाँ पर, तो आप देखिए यहाँ पे प्रत्येक दोपहर को 12 बजे आपकी फ्री क्लासेस आती हैं, उनको देखिए, उनसे भी आपके बड़े आसानी से 1, 2, 3 ऐसे करते करते आपके सवाल जो है वहां से सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखें, फ्री क्लासेस है, फ्री क्लासेस है, फ्री क्लासेस है आपकी यूजीसी नेट साइकोलॉजी प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो इनको देखना बिल्कुल भी मिस ना करें, अगर आप इनको मिस करेंगे तो भी आपका नुकसान होगा, ठीक है। तो अगर आपके पास सही कंटेंट नहीं है तो आप इन फ्री क्लासेस को देखिए, और जो अपनी सेल्फ स्टडी से आप जो कर रहे थे अभी तक जादू, वो जादू कंटिन्यू रखिए, और मेन जादू तो कौन करेगी, मेन जादू ये जो फ्री क्लासेस है ये यहाँ पर करेगी, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आप सही कंटेंट वगैरह पढ़ें, तो आप हमारा जो कोर्स है उसके अंदर ज्वाइन कर सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है, आपकी इच्छा होनी चाहिए, आपकी विल पावर होनी चाहिए, है ना, इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, तो ही ज्वाइन करिए, अदरवाइज आप क्या करेंगे, समय वेस्ट करेंगे अपना भी और दूसरों का भी, ठीक है। अगर आपकी इच्छा है कि आपको जो चीज मिलेगी, जो सही कंटेंट मिलेगा, उसको आप 10x 20x उसको आप रिवाइज कर पाए, चीजों को याद रख पाए, ठीक है, मे बी आप स्टूडेंट फेज में हो, मे बी आप हाउसवाइफ फेज में हो, मे बी आप वर्किंग जॉब करते हो, किसी भी फेज में हो, अगर आप इतना रिविजन कर सकते हैं तो ही इसको ज्वाइन करें, एल्स यहाँ पे कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। आपको मैक्स टू मैक्स चीजें आपके पास सही है, आपको एग्जाम हॉल के अंदर लगता है कि अरे हाँ यही तो पूछा था, यही तो पढ़ा था हमने, लेकिन फिर भी क्या होता है, आप वो सवाल गलत करके आते हैं। सवाल गलत क्यों हो रहा है, किसकी कमी है वहां पे, रिविजन की कमी है, ठीक है। और कई बार क्या करते हैं वहां पे, सिली मिस्टेक भी कर जाते हैं, ठीक है, सिली मिस्टेक कर जाते हैं। देखिए एग्जाम हॉल के बाहर आके चीजें देखने में काफी डिफरेंस होता है, ठीक है। एग्जाम हॉल के बाहर आने के बाद आपको लगता है हाँ सब आता था, बस थोड़ा सा हमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन थोड़ा सा ध्यान के लिए आपको रिविजन करना होता है 10 से 20 बार, ठीक है, तब जाके आपका जो थोड़ा सा ध्यान था वो कम होगा, है ना, नेग्लिजिबल तो नहीं कहेंगे, बिल्कुल भी नेगेटिव मतलब बिल्कुल भी कम तो नहीं हो जाएगा, लेकिन हाँ इतना है कि आपके स्कोर पे वो इफेक्ट नहीं डालेगा, इफेक्ट एंड अफेक्ट दोनों नहीं डालेगा, ठीक है। तो सिली मिस्टेक्स करने से भी आपको बचना है, रिवाइज करना है मैक्स टू मैक्स, ठीक है। और कई सारे सवाल आप खुद ही देखेंगे अपनी आंसर की में, जो क्या कर दिए आपने वहां पर आते हुए गलत कर दिए हैं, ठीक है। तो ये तो बात की हमने किनके बारे में, ये बात की हमने जो 2-3 बार से दे रहे हैं और उनका कंटिन्यूअसली यहाँ पर जो है फेल हो रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो एक बार आप ट्राई करिए, एक बार इस कोर्स को ज्वाइन करके देखिए, ठीक है, हो सकता है आपकी शायद जो है आपको चीजें सही पढ़ने को मिले, ठीक है। रिविजन तो देखिए आप ही को करना होगा, रिवाइज तो आप ही करेंगे, एक बार इसको ज्वाइन करके देखिए, क्या पता आपकी शायद किस्मत बदल जाए जून 2024 के अंदर, ठीक है। ऑल राइट, चलिए अब बात करेंगे उनके बारे में जिन्होंने इसको फर्स्ट टाइम दिया था, जिन्होंने इस परीक्षा को फर्स्ट टाइम दिया था, ठीक है, फर्स्ट टाइम दिया था दिसंबर 23 में, पहले से प्रिपेयर कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे, मास्टर्स में है, अपियरिंग में है, जो भी कर रहे हैं अपने वो एमए के अंदर, ठीक है। तो अगर आपने दिसंबर 23 में दी है परीक्षा और आपका यहाँ पर आपका स्कोर कम आ रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, तो क्या करना है आपको, सेम चीज आपको फॉलो करनी है, आपको कंटेंट यहाँ पर सही ढूंढना है, ठीक है। अब देखिए जो हिंदी मीडियम की अगर हम खासतौर पर बात करें, तो हिंदी मीडियम में जो भी किताबें आती हैं सबकी सब क्या है, सबकी सब जो है मतलब ठीक है, एक स्तर तक चल जाएगा आपको, लेकिन अगर आपको नेट पास करना है तो आपको इन किताबों से ऊपर उठना पड़ेगा, ठीक है। जो भी किताब आते हैं यहाँ पे, इसका नाम नहीं लेंगे, XYZ 1 2 3, ठीक है, कोई भी किताब आपके पास मनोविज्ञान की है हिंदी माध्यम में, वो आपको नेट नहीं दिला सकती है, इसका आप ध्यान रखें। आपको एक्स्ट्रा चीजें, एक्स्ट्रा एफर्ट देने होंगे, एक्स्ट्रा चीजें, एक्स्ट्रा MCQs, PYQs आपको यहाँ पर लगाने होंगे, इस बात को आप ध्यान रखें, ठीक है। यही बात आपके 2/3 टाइमर के लिए भी अप्लाई होती है, ठीक है, सेम जैसा फर्स्ट टाइम वाले, ठीक है। तो आप जो भी किताबें पढ़ रहे हैं उसको त्याग दें, है ना, कुछ किताबों में जो होती है कई ज्यादा मिस्टेक्स भी होती है, मिसप्रिंट भी होती है, तो उसके लिए भी आपको ध्यान रखना है कि आप इनसे भी बचे। कई बार जो है हमारे ही बच्चे जो है देखते हैं अपनी किताबों में गलत आंसर देते हैं, उसको फाइंड आउट करते हैं और फिर बताते हैं कि सर देखिए किताबों में इतनी मिस्टेक्स यहाँ पर दी हुई है, ठीक है, नाम नहीं लेंगे यहाँ पे, लेकिन जो भी किताब आप पढ़ रहे हैं उन सभी में क्या है, कुछ ना कुछ त्रुटियां हैं, मिस्टेक्स हैं, ठीक है। और हिंदी मीडियम में थोड़ा सा और ये और डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखें, जो बुक्स हैं उनको आप त्यागे, ऑनलाइन चीजें देखें आप यहाँ पे, ठीक है, हमारी जो फ्री क्लासेस वगैरह हैं उनको भी देखिए, ठीक है, जो फ्री क्लासेस आप देखते हैं। अब ऐसा नहीं कि आपको केवल देखना है, आपको एनालाइज भी करना है कि क्या हम जो फ्री क्लासेस सीख रहे हैं, क्या हमने इसके पहले वो पढ़ा था, क्या इसके पहले से हम उसके बारे में जानते हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो आपको मालूम है यहाँ पे किसका गैप है, यहाँ पे गैप है आपके ज्ञान का, ठीक है, नॉलेज का गैप आ रहा है, जिस वजह से क्या हो रहा है, जिस वजह से आपको यहाँ पर दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। चीजें दिक्कत क्यों होकर करती है, आपने यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक का ये क्या है, ये पूरा आपका संपूर्ण सिलेबस है, लेकिन आपने क्या पढ़ा है, आपने यहाँ का 10% पढ़ा है 100 में से, यहाँ का आपने 5% पढ़ा है, यहाँ का 5% पढ़ा है, यहाँ का 30% पढ़ा है,
यहाँ का 40% पढ़ा है, फिर 10% पढ़ा है। इस प्रकार से आपने हर यूनिट में से पूरा पूरा कुछ भी नहीं पढ़ा, थोड़ा थोड़ा आपने इस प्रकार से पढ़ा है। हो सकता है कहीं कहीं 100% भी हो, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं अगर आपकी चीजें छूट रही है, जैसे कि आपकी सेकेंड एंड थर्ड यूनिट में आपकी चीजें छूटती है मेनली, तो उसको भी आपको कवर करना है। यहीं से आपके 20 से 25 सवाल बनते हैं, ठीक है, 20 से 25 सवाल आपके मेजरली बनते हैं यहीं से। तो ये यूनिट कैसे छोड़ सकते हैं इसका आपको ध्यान देना है, ठीक है। और सही कंटेंट नहीं है तो उसको पढ़ने की ओर ध्यान दीजिए आप। अदरवाइज जून 2024 में भी इसी प्रकार से आप दिसंबर 24 के लिए हमारा ही स्ट्रेटेजी वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है। ऑलराइट, तो अगर नहीं आप मिल रहा है, कुछ चीजें नहीं कर रहे हैं, तो एक बार जो है इसको ज्वाइन करके देखिए। ऐसा जबरदस्ती नहीं करना ही है तो जादू चमत्कार हो जाएगा, इसको ज्वाइन करके देखिए। आपका जो है ज्ञान का जो गैप आपको आ रहा है वो खुल जाएगा, काफी लोगों का खुल चुका है, ठीक है, उनको मालूम है सही चीजें क्या पढ़नी है, बस कमी किस चीज की हो रही है, कमी हो रही है वहां पर रिविजन की। ऑलराइट, ओके, ये तो बात कर ली हमने अब सेकेंड और थर्ड टाइमर वालों के बारे में, हमने बात कर ली फर्स्ट टाइमर वालों के बारे में, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक और श्रेणी की बात करें, ऐसे लोग जिसे मान के चलिए कट ऑफ इस बार 190 जाएगा, और ऐसे लोग जिनका 188 आएगा, 186 आएगा, यहाँ अनरिजर्व की बात कर रहे हैं, आप अपने अपने में अलग अलग देख लीजिएगा जो भी है आपका, ठीक है, 186 आ रहा है, ठीक है, या फिर 178 कट ऑफ गया है, तो 176 आ रहा है, 174 आ रहा है, 172 आ रहा है, 170 आ रहा है, मतलब जो दो चार सवालों से ऊपर नीचे हो जा रहे हैं उनको क्या करना है, उनको निराश नहीं होना है, ठीक है, उनको मालूम है कि क्या है वो मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट हैं जून 24 में होने के लिए, ठीक है, जून 2024 में होने के इनके जो है यहाँ पर प्रबल दावेदारी है, यहाँ पे अच्छे खासे चांसेस हैं इनके। तो आप लोगों को जो है थोड़ी सी और मेहनत करनी है अच्छे तरीके से, ताकि जून 2024 में आपको यहाँ पर सक्सेस मिल सके, यहाँ पे आपको निराशा ना मिले, ठीक है। आशावादी बने, ऑप्टिमिस्ट रहें, और इसी एम के साथ जून 2024 का अगेन अटेम्प्ट दीजिए। आप लोगों को किसके ऊपर फोकस करना है, आप लोगों को फोकस करना है पीवाईक्यूज के ऊपर, ठीक है। आपने कहीं ना कहीं पीवाईक्यूज में गलती कर दी होगी, इसलिए आप दो चार नंबर से ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है। तो पीवाईक्यूज को आपको अच्छे से करना है, जितना अच्छे से आप प्रीमियम सॉरी नॉट प्रीमियम कोर्स बोल रहे हैं, जितना अच्छे से आप पीवाईक्यूज करेंगे उतना आपका यहाँ पर बेनिफिट होगा। पीवाईक्यूज टेकिंग फ्रॉम 2019 टू 2023 तक के जितने भी पीवाईक्यूज हैं उसको आप अच्छे से कर सकते हैं, जिससे आपको यहाँ पर डेफिनेटली फायदा होगा जून 2024 के अंदर, ठीक है। ये फर्स्ट टाइमर सेकंड टाइमर वाले इसको ना करें, अनटिल एंड अनलेस आपने यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक की आपने जो चीजें हैं जहां से मेनली सवाल बनते हैं वहां से आपने उसको अच्छे से कवर कर लिया है तो, ठीक है। ऑलराइट, इसके बाद हम बात करेंगे जो लोग क्या कर रहे हैं, जो लोग इस बार फर्स्ट टाइम दे रहे हैं परीक्षा को, ठीक है, फर्स्ट टाइमर वाले हैं, उनको क्या है, उनको यहाँ पर यह है कि जो भी आपने मास्टर्स में पढ़ा था उसको पढ़ें अच्छे से, पीवाईक्यूज को आप क्या करें, पीवाईक्यूज को आप यहाँ पर उसको एनालाइज करें, ठीक है, देखिए कैसे सवाल आ रहे हैं। अगर हमारे वीडियोस फॉलो कर रहे हैं तो 2021 की प्लेलिस्ट बनी हुई है, देखिए कैसे सवाल आते हैं, कैसे सॉल्व किया जाता है। उसी प्रकार से 2020 की बनी हुई है, और इसी प्रकार से 23 की भी बनी हुई है, जून की या मार्च की, ठीक है। तो उसको देखिए अच्छे से किस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं, इसी प्रकार से आपको भी सॉल्व करना है। जो भी बातें हमने यहाँ पे सेकंड थर्ड टाइमर के लिए फर्स्ट टाइमर के लिए बात की, सेम चीजें आप लोग के लिए भी अप्लाई होती है यहाँ पर, कि आपको क्या करनी है वहाँ पर कंसेप्ट क्लैरिटी, ठीक है, कंसेप्ट क्लैरिटी आपको फॉर्म करनी है। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपको हिंदी में ही कंसेप्ट को समझना होगा, ठीक है, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी में ही आपको कंसेप्ट को समझना होगा। उदाहरण के तौर पर बताते हैं यहाँ पर देखिए, मान के चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है टी, ठीक है। आप देखिएगा जो आप हिंदी और इंग्लिश की समस्या आती है वो क्यों आती है, क्योंकि केवल कॉपी पेस्ट से काम नहीं चलता है, ये आप समझिएगा इस बात को। यहाँ पे लिखा है टी और यहाँ पे लिखा हुआ है, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है मान के चलिए चाय, ठीक है, बड़ा ही बेसिक सा उदाहरण है। यहाँ पे लिखा हुआ है टी और यहाँ पे लिखा हुआ है चाय, चलिए मान के चलते हैं किसी हिंदी माध्यम वाले को नहीं मालूम कि टी क्या होती है पहली बार में, ठीक है। तो जैसे ही आप टी बोलते हैं तो क्या उसके दिमाग में इमेज बनेगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इमेज बनेगी क्या टी, आपको टी का पूरा कॉन्सेप्ट पता है कि हाँ ठीक है, मतलब आपने सुना टी पहली बार, ठीक है, टी पहली बार सुनने के बाद आपने देखा कि आपके दिमाग में कोई भी इमेज नहीं बन रही, व्हाट इज टी, आपके दिमाग में क्या इमेज बन रही है, आपके दिमाग में ये वाली इमेज बन रही है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी मेमोरी पे इफेक्ट पड़ेगा, आपको समझ में तो आ जाएगा हाँ ठीक टी मतलब क्या होता है, टी मतलब आपको जो है ये सब होता है, इसके अंदर चाय दूध ये सब डालते हैं, ठीक है, ये सब होता है इसके अंदर टी के अंदर, ये आपने समझ लिया। लेकिन जब ऐसी कुछ सिचुएशन आएगी जब आपको जो है दो नंबर की लड़ाई है, तो वहां पे आपको टी हो सकता है एकदम से उस टाइम पे क्लिक ना करे, लेकिन जैसे ही आपको बोलते हैं चाय, चाय जैसे ही बोलते हैं आपको ये पतीला सामने आ जाता है, दूध इसमें डलता हुआ याद आ जाता है, वहां से शक्कर का बर्तन आ जाता है, वहां से अदरक आ जाती है, वहां से यहाँ पे चाय पत्ती आ जाती है, ठीक है, और यहाँ से वो छालने वाला जो रहता है वो आ जाता है, ठीक है, और यहाँ से जो पकड़ने वाली रहती है, ठीक है, वो औजार वो आ जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम चाय बोलते हैं यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे आपकी इमेज जो है वो फटाक से बनी है, ठीक है, ये चीज आपको समझनी है। कंसेप्ट आपको यहाँ पे हिंदी में ही गैदर करना होगा, इस बात को आप समझिए, ठीक है, यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लर्निंग के बारे में,
है, लर्निंग के बारे में। तो लर्निंग तो ठीक है आपको मालूम है, लेकिन कंसेप्ट आपको गैदर कैसे करना होगा, आपको अधिगम के रूप में करना होगा कि अधिगम है क्या। आप अधिगम सुनेंगे, अधिगम बोलेंगे, तब आपको समझ में आएगा। ओके, लर्निंग में फटाक से आप यहाँ पर समझ जाएंगे। ठीक है, मान के चलिए यहाँ पे लिखा है ट्रांसपर्सनल। ठीक है, ट्रांसपर्सनल के बारे में आपको बता दिया जाए सब कुछ कि इसके अंदर ऐसा होता है, वैसा होता है, ये है, ये है, ये है, ये है, आपकी भाषा में, मातृभाषा में, हिंदी में बता देंगे हम ट्रांसपर्सनल ये होता है। ठीक है, लेकिन जब तक आप ये नहीं समझेंगे आध्यात्मिक या फिर एक प्रकार से स्पिरिचुअल, ठीक है, स्पिरिचुअल थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है, स्पिरिचुअल समझना इजी है या ट्रांसपर्सनल समझना इजी है। क्यों? क्योंकि स्पिरिट से आपने क्या लिंक कर लिया है, अध्यात्म को लिंक कर लिया है। हाँ, अध्यात्म वगैरह की बात होती होगी। ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ पे क्या होता है, वर्ड में बताया था हमने, ये आपकी पर्सनैलिटी है। ट्रांस मतलब होता है बियॉन्ड। ठीक है, बियॉन्ड मतलब, बियॉन्ड भी आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप नहीं समझेंगे क्या, आप नहीं समझेंगे के परे, है ना, पर्सनैलिटी के परे की जो बात है, कॉन्शियसनेस की, वहां पे बात कर रहे हैं आपकी। ठीक है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा, हिंदी में आपको समझना जरूरी है, हिंदी में आपको अच्छे से पढ़ना जरूरी है, हिंदी में आपको कॉन्सेप्ट गैदर करना जरूरी है। ठीक है, यानी कि आपको ये तो मालूम है रिलायबिलिटी के 4-5 प्रकार होते हैं। ठीक है, लेकिन रिलायबिलिटी, ठीक है, ये इजी वर्ड पड़ता है बोलने के लिए, ठीक है, लेकिन आपको समझना होगा कि विश्वसनीयता की बात कर रहे हैं। ठीक है, विश्वसनीयता के को ही हम क्या बोलते हैं, रिलायबिलिटी बोलते हैं। और उस प्रकार से आप जो है फिर रिलायबिलिटी के अलग अलग प्रकार को समझ सकते हैं बड़ी आसानी से। ठीक है, इसका आप यहाँ पर ध्यान रखें। तो आपको इंग्लिश एंड हिंदी दोनों का ही इस्तेमाल करना है, लेकिन इंग्लिश के भरोसे आप इसको नहीं निकाल सकते। पहले आपको जो कंसेप्ट है वो हिंदी में गैदर करना होगा, उसके बाद जो है अपनी जानकारी को वो इंग्लिश में आप एसिमिलेट कर पाएंगे अच्छे से। ठीक है, तभी आपको इसका फायदा होगा, अंटिल अनलेस आपको फिर यहाँ पर नुकसान हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखें। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए अंटिल एंड अनलेस बोला, आपको यहाँ पे इसका मतलब समझ में नहीं आया, खैर वो जाने दीजिए। यहाँ पर हिंदी में आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा, इस बात को आप ध्यान रखें। यहाँ पर जब तक आप इसको हिंदी में सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं अच्छी हिंदी में, सॉरी, है ना, तो आपको यहाँ पर इंग्लिश में चीजों को कन्वर्ट करने में, इंग्लिश में पढ़ने में आपको यहाँ पर ज्यादा मजा नहीं आएगा, ज्यादा आपको यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं आएगा। ठीक है, इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखें। ठीक है, तो ये सेकंड थर्ड टाइमर फर्स्ट टाइमर सभी के लिए बता दें, यहाँ पर सभी को जो है मेनली अभाव यहाँ पर कंटेंट का है, तो आपको उसके ऊपर काम करना होगा, उसको आप सीखिए, देखिए। ठीक है, और जो है अच्छे से एग्जाम दीजिएगा जून 2024 वाला, क्योंकि जून 2024 में लोग अच्छा मार्क्स लाएंगे, अच्छा स्कोर जाएगा, कट ऑफ अगेन आपका जो है हाई जाने की संभावना है पूर्णतः, अगर पेपर बहुत ही अजीब गरीब नहीं आ गया तो। ठीक है, इसको आप ध्यान रखें, यहाँ पे जून 2024 के लिए अच्छे से प्रिपेयर करिए आप यहाँ पर। ठीक है, हमारे ये देखिए फ्री कोर्स स्टार्ट किया है, वो जैसे चलेगा वैसे चलेगा, तो फ्री कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं, दोपहर को 12 बजे लेक्चर आएगा तो उसको देखना है, नहीं आएगा तो अपना क्या करना है, प्रॉपरली उसको पुराना पढ़ा दिया है उसको आपने रिवाइज करना है। ठीक है, 12 बजे समय है फ्री क्लास का, और इसके लिए अपडेट कब होने वाला है, कैसे होने वाला है, कहाँ मिल जाएगी आपको, टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर आपको मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर आपको मिल जाएगी, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें। और अगर और भी दिक्कत आ रही है, फ्री कोर्स भी करना है और इसके साथ आपको पेड कोर्स भी करना है अगर, तो पेड भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे नंबर दिया हुआ है। ठीक है, वहां से आप जानकारी ले सकते हैं पेड कोर्स के बारे में, नॉट जानकारी मत लीजिए, आपको पुरानी रिकॉर्डिंग वीडियोज हैं उसमें जाकर देख लीजिए कोर्स कैसे ज्वाइन करना है, क्या क्या उसके अंदर मिलता है, तो वहां से जाके आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, या फिर आगे वीडियो बना देंगे तो वहां से आप समझ जाएगा क्या क्या उसके अंदर आपको मिलने वाला है। ठीक है, ये मान के चलिए अगर आपने इसको ज्वाइन कर लिया है, ज्वाइन करने के बाद आपको कंटेंट की कमी नहीं होने वाली है, इस बात को आप ध्यान रखें। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो आपको सब मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, ये पूर्णतः आपको मालूम पड़ जाएगा, बस करना क्या है आपको, इसको उठा के आपको समझना है सबसे पहले, और फिर रिविजन करना है। ठीक है, इसको समझना है पहले, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, पूरा बेसिक से एडवांस बताया जाएगा यहाँ पर, बेसिक टू एडवांस। जैसे आप वीडियोज देखते हैं फ्री वाले, आप सोचिए फ्री वीडियोज से आप इतना सीखते हैं तो आपका अंदर क्या हाल होगा। ठीक है, कितना कुछ समझने पढ़ने मिलेगा, इसको आप ध्यान रखें। तो यहाँ पे आप मैक्स टू मैक्स क्या कर सकते हैं, इसको रिवीजन करिए, जितना रिवाइज करेंगे, जितना चीजें समझेंगे उतना आपका यहाँ फायदा होगा, और जून 2024 में आप इस परीक्षा को निकाल लेंगे, प्रोवाइडेड आपने प्रॉपरली रिवाइज किया हो, और वहां पे एग्जाम हॉल में आप बिना डरे बिना झिझके जो है वहां पर अपने आंसर्स को इजिली मार्क कर सके। ऑलराइट, ओके, इसी के साथ चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। ये होनी चाहिए इस प्रकार से आपकी एक प्रकार से स्ट्रेटेजी, हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूजीसी नेट जून 2024। ठीक है, 2024 के लिए किस प्रकार से प्रिपेयर करें, और सेम यही अप्लाई हो जाएगा दिसंबर 2024 के लिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे 12 महीने का समय मिल रहा है, यहाँ पे 6 महीने का समय मिल रहा है। ठीक है, ये लिखा है यहाँ पे 12 और यहाँ पे लिखा है 6। ठीक है, तो अब कम समय है तो आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे 4 घंटे पढ़ना होगा, यहाँ पे आप 2 घंटे डेली पढ़ के भी काम चला सकते हैं। ठीक है, 6 महीने के लिए आपको 4 घंटे पढ़ना होगा। ठीक है, 6 4 24,
आउटपुट सेम आ रहा है, सेम यहाँ पे 12 टू 24 आउटपुट सेम आ रहा है, मतलब समय ज्यादा है आपके पास अगर तो यहाँ पे आप कम समय पढ़ के भी चल जाएगा, लेकिन ये क्या होना चाहिए, डेली पढ़े इसको आप, ठीक है, डेली पढ़े संडे को छोड़ के अगर मन है तो, है ना। यहाँ भी आपको डेली पढ़ना है, एग्जाम मोड में एकदम एक्सट्रीम मोड में रहना है यहाँ पर, इसके लिए आप इसको ध्यान रखें, ठीक है। 6 मंथ के लिए आपको 4 घंटे देना है मिनिमम, पेपर टू की बात कर रहे हैं, ठीक है, पेपर वन आप अलग से देखिएगा, पेपर टू की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे आप डेली 2-2 घंटे भी देंगे तब तक काफी कुछ अच्छे से कवर हो जाएगा, प्रोवाइडेड उसके बाद आप रिवाइज भी करें, ठीक है। और उसी के साथ देखिए, कई लोग जो है परेशान होते हैं पेपर वन के लिए, ठीक है, पेपर वन में हमारा क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है, इसके लिए परेशान रहते हैं, तो यहाँ पर एक बात समझिएगा, पेपर वन को निकालने के लिए आपको देखिए कोई ऐसी बड़ी महंगी कोचिंग की या कोई ऐसी मॉक टेस्ट या वगैरह की आपको देखिए यहाँ PYQ साफ कर लीजिए, उसमें आपका हो जाएगा, ऐसी कुछ बड़ी भारी जरूरत है नहीं आपको यहाँ पे। पेपर वन के लिए देखिए क्या है, इसमें एब्जर्ड टॉपिक्स तो नहीं कहेंगे, बट इसमें क्या पूछे वो कुछ किसी को कुछ नहीं पता, ठीक है, क्या पूछे वो किसी को कुछ नहीं पता है, कोई कुछ नहीं जानता है, वो क्या पूछ लेंगे कहाँ से पूछ लेंगे, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आप पेपर वन में क्या करते हैं, केवल आपको पेपर वन बनाया गया है आपके टाइम वेस्ट करने के लिए, ताकि आप टाइम वेस्ट करें, पेपर टू को कम पढ़ें, और पेपर टू में आपका स्कोर क्या जाएगा, नीचे जाएगा, ठीक है। पेपर वन में देखिए अगर आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाते हैं तो आप 20 से 25 नंबर आराम से यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं नॉर्मल पढ़ाई करके, ठीक है, नॉर्मल पढ़ाई करके भी आप कर सकते हैं, और जितना मैक्स पढ़ेंगे आप यहाँ पे उतना आप 30-35 इस प्रकार से आगे जाएंगे, ठीक है। लेकिन पेपर टू को देखिए, आपको मालूम है कहाँ से क्या पूछने वाला है, कौन से टॉपिक्स है, या तो वो डीप पूछेगा या वो बेसिक पूछेगा, टॉपिक रहेगा सेम, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप डीप और बेसिक करने जाएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, लेकिन आपको मिलने कितने वाले हैं, केवल 50 नंबर ही, ठीक है, उसमें से 5 आपके DI के हो गए, 5 आपके पैराग्राफ के हो गए, 10 में से आपका देन अगेन 2-3 सवाल मैथ्स के हो गए। तो अब यहाँ देखिए लगभग 35 सवाल के लिए आप कितनी यूनिट खराब करते हैं, आप 7 यूनिट खराब करते हैं, 7 से 8, ठीक है, जो कि आपको मालूम है उनमें से कहीं से कुछ भी पूछ लेंगे, ठीक है, हो सकता है कंप्यूटर के बारे में, ICT के बारे में एकदम बेसिक पूछे, या फिर हो सकता है वो कंप्यूटर के बारे में एकदम आपको वहां पे ट्रांसफर वगैरह करने के लिए बता दे कैसी मेमोरी क्या जाती है क्या होता है, ठीक है। लेकिन आपके पास देखिए हाई स्कोरिंग हाई यील्डिंग एरिया कौन सा है आपका, आपका यहाँ पर पेपर टू न कि आपका पेपर वन, इस बात को आप जल्दी से जल्दी समझें, ठीक है। अच्छा एक बात और ध्यान रखनी है June 2024 के लिए, हमेशा 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 जब भी आप इस परीक्षा के अंदर बैठे, सबसे पहले आपको क्या सॉल्व करना है, सबसे पहले आपको सॉल्व करना है पेपर टू को, ठीक है, पेपर टू को आपको पहले सॉल्व करना है, इस बात को आप ध्यान रखें, ना कि आपको सॉल्व करना है पेपर वन को। पेपर वन को पहले सॉल्व करेंगे आपका समय बहुत ज्यादा चला जाएगा, और आप गड़बड़ कर देंगे कहाँ पे, पेपर टू के अंदर, भले ही पेपर वन पूरा छूट जाए, यहीं पे 100 के 100 सही कर लीजिए, 80 सही कर लीजिए, 70 सही कर लीजिए, है ना, 70-80 भी सही कर लिया आपने यहाँ तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा बहुत भी स्कोर आ गया तो, लेकिन यहाँ पे आप जो है पेपर टू को बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। पेपर टू को मिस करेंगे तो आप समझ जाइए कि आपको जो है हालत खराब हो जाएगी आपकी, पेपर टू को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है किसी भी कीमत के ऊपर, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखें। पेपर वन को लास्ट में करना है, पेपर सेकंड को फर्स्ट करना है, ठीक है, क्योंकि आप पेपर सेकंड को आप 4 घंटे पढ़ते हैं डेली, और पेपर वन को आप 1 घंटे पढ़ते हैं डेली, बट ऑब्वियसली बात है आपकी जो एफिशिएंसी है वो 4 घंटे में ज्यादा रहेगी, वो चीजें आपको ज्यादा याद रहेंगी। ऑलराइट, ओके, चलिए तो फिर इसी के साथ वीडियो का समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप जो है इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसी के साथ धन्यवाद।